नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2023 में मीन राशिफल की। मीन राशिफल 2023 आपके लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है, क्योंकि इस राशिफल में आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा जो कि आप प्राप्त करना चाहते हैं। आप वर्ष 2023 को लेकर बहुत ज्यादा जिज्ञासा में होंगे कि ये वर्ष आपके जीवन में क्या कुछ लेकर आने वाला है, ये वर्ष आपके जीवन में कैसा रहेगा, क्या आपका भविष्य सुखद होगा, उसमें कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, आपको जीवन के किन क्षेत्रों में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, जीवन का कौन सा क्षेत्र है जो आपको सुकून भरी नींद प्राप्त करेगा, आपको जीवन में किन क्षेत्रों में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, ये सब कुछ जानकारी आप मीन राशि 2023 की इस वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं। बस 2023 में मीन राशि के जातकों को किन क्षेत्रों में कैसे परिणाम निकलेगा और उसे बचने के लिए आपको इस वर्ष कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। आप अपने निजी जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कौन सा समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और कौन सा समय प्रतिकूल, आपको वित्तीय संतुलन कैसा रहेगा, धन और लाभ की क्या स्थिति बनी रहेगी, आदि सब कुछ आपको इस राशिफल में प्राप्त होगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट पर जरूर जाइए। आपके लिए मीन राशि 2022 के अनुसार जनवरी का महीना आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। बकरी मंगल तीसरे भाव में आपको साहस और पराक्रम देने का काम करेगा और शनि महाराज एकादश भाव में बैठकर आपको अच्छी आमदनी प्रदान करेगा। शुक्र के प्रभाव से एकादश भाव में होने पर आपको आमदनी अच्छी होने के योग बनेंगे, लेकिन जनवरी के उत्तरार्ध में खर्चों का समय भी हो सकता है, स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। फरवरी के महीने में विदेशी माध्यमों से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे, व्यापार में वृद्धि की संभावना प्रबल होगी, दाम्पत्य जीवन में तनाव कम होगा, जीवन साथी से निकटता का आपको आभास होगा। फरवरी के उत्तरार्ध में दाम्पत्य जीवन या फिर प्रेम जीवन में रोमांस के योग बनेंगे, विदेश यात्रा की भी आपको संभावना दिखाई दे रही है। मार्च का महीना पारिवारिक जीवन में तनाव लेकर आ सकता है। 13 मार्च को मंगल अपने चतुर्भाव में बैठेंगे और माता जी के स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकते हैं। इसकी चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर होने से दाम्पत्य जीवन में भी तनाव उत्पन्न होगा। दशम भाव में होने से आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब होंगे, लेकिन गुस्से से आपको बचना चाहिए। एकादश भाव में दृष्टि होने से अच्छी आमदनी के योग बनेंगे, कोई प्रॉपर्टी आदि आप खरीद सकते हैं। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के जातकों को जीवन में अप्रैल का महीना आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। किसी दोस्त के साथ निकटता बढ़ेगी और उन्हें आप दिल दे सकते हैं, प्यार परवान चढ़ेगा और दोस्तों के साथ समय बिताने का आपको अनेक मौके मिल सकते हैं। काम में कम दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं और ये यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन 22 अप्रैल को बृहस्पति के राहु और सूर्य के साथ द्वितीय भाव में आने से कुटुंब में तनाव बढ़ेगा या फिर किसी की सेहत बिगड़ सकती है और झगड़ा भी हो सकता है। मई के महीने में आप अपनी संतान को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई में व्यवधान आ जाएंगे, उनका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है और इस दौरान प्रेम संबंधों में भी तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं। एक दूसरे को समझ पाने के कारण आपके प्रियतम के साथ ज्यादा आपको गुस्से वाला व्यवहार दिखाने
से बचना चाहिए, क्योंकि इसके कारण आप दुखी रहेंगे। हालांकि आमदनी के मामले में ये समय अच्छा रहेगा। जून के महीने में खर्चों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि आपकी आमदनी तो अच्छी होगी, विद्यार्थियों में पढ़ाई में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में चल रहे तनाव को थोड़ी सी आपकी कमी आएगी, लेकिन कुटुंब में कोई विवाद जन्म ले सकता है। इस दौरान अच्छा भोजन करने पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मुंह में दांत और पेट से संबंधित कोई बीमारी आपको अपनी चपेट में ले सकती है। अगर मीन राशि के राशिफल में जुलाई महीने की बात करें तो अपने शत्रुओं को आप चारों खाने चित्त कर देंगे। यदि कोई केस आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में लंबित है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आपकी नौकरी के लिए समय अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। आप अपनी मेहनत के लिए जाने जाएंगे और आपकी तरक्की के योग भी बनेंगे। इस दौरान धन लाभ के आपके योग बनेंगे और विदेश जाने की संभावनाएं भी प्रबल हो सकती है। अगस्त का महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। अगस्त के महीने की शुरुआत व्यापार वृद्धि होगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। व्यापार के सिलसिले में काफी यात्राएं आपको करनी पड़ेगी। हालांकि यात्राएं लाभदायक होंगी, दांपत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। जीवन साथी और आपके बीच गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। भाग्य पर सब कुछ छोड़ देना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए मेहनत करने पर आपको अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। सितंबर का महीना व्यापार के लिए कुछ नए गठजोड़ ला सकता है। इस दौरान दांपत्य जीवन में चल रहे तनाव में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आमदनी में उतार चढ़ाव होने से आप कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए इस महीना आपके अंदर झांकने का मौका देगा और अपनी गलतियों को स्वीकार करने में आप रिश्तों को संभाल पाएंगे। अक्टूबर के महीने की बात करें तो इस महीना सावधानी से बिताने की आपको सलाह दी जाती है। इस दौरान मंगल आपकी राशि के अष्टम भाव में गोचर करेंगे, इसलिए किसी भी तरीके के चोट या दुर्घटना से आपको बचने का पूरी कोशिश करनी चाहिए। वाहन में सावधानी से आपको चलानी चाहिए। इसके अतिरिक्त ससुराल पक्ष में कहासुनी होने से अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। हो सकता है कि इस दौरान आपको कुछ काम अचानक अटक जाएं, लेकिन आपको धन लाभ फिर भी हो सकता है। मीन राशि के नवंबर महीने की बात करें तो आपको धन संचय में वृद्धि होगी, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु आपके द्वितीय भाव से निकलकर आपकी राशि में प्रवेश कर चुका है और द्वितीय भाव में अकेले देव गुरु बृहस्पति विराजित हैं। आप अपने परिवार और अपने ससुराल पक्ष के बीच यदि कोई समस्या चल रही है तो ये दूर हो सकती है और आपके कार्यालय में आपकी प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। अगर दिसंबर महीने के 2023 के आपके मीन राशि के परिणाम की बात की जाए तो दिसंबर का महीना आपको उम्मीद से अधिक प्रदान करने वाला महीना सिद्ध होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त व्यापार में भी आपको अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। आपके संपर्क गणमान्य लोगों से होंगे, जिससे कि आपको बड़ा फायदा हो सकता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।